हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कोयटा में बदमनी की नई लहर के बाद पश्तूनाबाद में ऑपरेशन, इलाका 4 सेक्टर्स में तकसीम कर दिया गया। 120 टीमें हिस्सा ले रही हैं, हर टीम में 6 शामिल है। ऑपरेशन में बच्चों के लिए तहाइफ भी रखे गए हैं। ऑपरेशन से कबल इलाका उमायदीन को एतमाद में लिया गया। सेक्टर कमांडर FC तसव्वुर सत्तार की मीडिया ब्रीफिंग। ऑपरेशन में 500 अफराद से पूछ गछ की की तलाशी, न्यू सरिया के इलाके में ऑपरेशन के बाद आम कायम हो गया। DIG कोयटा रज़ाक चीमा। गुरबत में कत्ल किए गए 5 अफराद की मैयतें कराची से लाहौर पहुंचा दी गईं। नौजवानों को इंसानी स्मगलर्स यूरोप भिजवाने का झांसा देकर ले गए थे। कोयटा में जोक रोड पर वाकई होटल से 2 अफराद की लाशें बरामद, अस्पताल मुंतकिल। मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम का आगाज, आज दोपहर एबटाबाद में जलसा करेंगे। क्या कहेंगे सियासी हलकों को इंतजार, हजारा को अलग सूबा बनाने का ऐलान भी मुतवक्के। आईनी तरमीम के मामले पर इस्तीफा दें, धरना कायदीन का इसरार बरकरार, सरकार का ये मुतालिबा तस्लीम करने से इंकार, डेड लॉक बरकरार, वजीर दाखला इस्तीफे का मुतालिबा नाजायज करार दे चुके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद पर धरना 12वें रोज भी जारी, अवाम के लिए आमदोरफ्त अजाब बन गई। धरने की वजह से अब तक 2 मरीज बर वक्त अस्पताल ना पहुंचने के बाइस दम तोड़ चुके। मुस्लिम लीग नून को अपनी सोच से बहुत नुकसान पहुंच रहा है, वजीर खजाना इसहाक डार को अहदे से हटाने में क्या हर्ज है, अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत नहीं बना सकेगी। सिंध के वजीर इत्तला'आत नासिर हुसैन की से गुफ्तगू, ये भी कहा कि आईनी तरमीम के बाद अब धरने का कोई जवाब नहीं। शेखपुरा में काला शाह काकू इंटरचेंज पर गाड़ी और रिक्शा आपस में टकरा गए, हादसे में 4 अफराद जां बहक, 10 जख्मी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तौर पर एटमी हमले का हुक्म दिया तो इनकार कर दूंगा, फौजी नाजुक सूरत हाल के मुतालिक सोचते हैं। स्ट्रेटेजिक कमांड के जनरल जॉन हाइटन का वॉशिंगटन में तकरीब से खिताब। सदर रॉबर्ट मुगावे को पार्टी की सरबराही से हटाने का फैसला, ऐवान सदर के बाहर मुगावे के हामियों और मुखालफीन का मुजाहरा, मुगावे आज फौजी कमांड करेंगे।